subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर द कॉन्सेप्ट्स विच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेट। इस लाइन को थोड़ा आप ध्यान से समझें। इन कॉन्सेप्ट का नाम हमने assumptions साथ में क्यों यूज कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं। वैसे तो एक कंसेप्ट है, तीन कंसेप्ट आएंगे अभी आपके साथ। ये कंसेप्ट बेसिक रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम अकाउंट्स बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फाइनल रिजल्ट्स निकालते हैं। लेकिन ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि हर कंसर्न इसको फॉलो कर ही रही है, ये पहले से ही अज्यूम किया जाता है। हर कंसर्न इसको फॉलो कर ही रही है, ये पहले से ही अज्यूम किया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे एक आदमी टाइम पर खाना खाता है और टाइम पर प्रॉपरली सोता है, ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। किसी को चार दिन सोने मत दो या किसी को पांच दिन खाना मत दो तो उसकी हालत देख लो, इतना जरूरी है वो। लेकिन एक आदमी खाना खाता है और वो उस टाइम पर सोता है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इट इज जनरली अज्यूम कि ये तो करता ही होगा। जो ऐसा नहीं करता उसके बारे में स्पेशली बोला जाता है कि भाई ये तो 15-15 दिन खाना नहीं खाता है, या ये 15 दिन से किसी व्रत पे है, या ये तो 20 दिन से सोया ही नहीं, तो उसको स्पेशली बोला जाता है। ऐसे ही अकाउंट्स में भी बात करो है, ये तीनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बट इसको अजम्पशन साथ में इसलिए वर्ड बोल दिया जाता है क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि हर कंसर्न इसको फॉलो कर रही है। हाँ, जो कंसर्न इन तीनों में से किसी एक भी रूल को फॉलो नहीं कर रही है उसके बारे में उसको अपनी स्टेटमेंट में स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि हम ये रूल फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, वो साथ में रीजन लिखने पड़ेंगे, पर रूल फॉलो नहीं हो रहा वो स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये रूल तीनों फॉलो हो रहे हैं तो हम इसको स्पेशली नहीं बोलते, इसलिए इसको जगह जगह साथ में अजम्पशन वर्ड बोला। लिखा भी है आगे हमने आपके लिए, इफ एनी ऑफ दीज फंडामेंटल अजम्पशंस इज नॉट फॉलोड then this fact should be specifically disclosed। और ये हमारी हैं कौन कौन सी, पहली है going concern assumption, going concern concept। going concern concept हमें ये कहता है कि हम अपने accounts में जब भी चीजें record करते हैं ये assume करके record करते हैं। देखो assume assumption है ना, ये assume करके रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी कंसर्न विल गो ऑन फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। हमारी कंसर्न आने वाले टाइम में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, बड़े ध्यान सुनना। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, साल के एंड में उसकी वैल्यू बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख हो गई, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स में उसकी वैल्यू 1 करोड़ दिखाऊं या 1 करोड़ 10 लाख? 1 करोड़ ही दिखानी है, कारण उसको बेचना थोड़ी है। जब मैंने बेचना ही नहीं तो मार्केट वैल्यू करूं क्या? वो चाहे 1 करोड़ 10 लाख हो जाए या 1 करोड़ 50 लाख हो जाए या 90 लाख की रह जाए, मुझे तो बेचना ही नहीं है ना, मुझे तो उससे बिजनेस करना है, मुझे तो उसमें रह के अपना काम चलाना है, तो उसकी मार्केट वैल्यू मेरे लिए इररेलेवेंट है। मैंने 1 करोड़ में खरीदी थी, उसको 1 करोड़ की शो करूं। आप मेरी बात समझ? लेकिन जो स्टॉक की बात अभी मैंने पीछे की, स्टॉक तो अभी बेचना है और 2 दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में, इसलिए उसके लिए बोला था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। वहां पर मार्केट प्राइस रेलिवेंट हो गया था, यहां पर नहीं है। तो जब हम अपनी एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू देखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि बेचना ही नहीं, क्योंकि हमारी कंसर्न विल गो ऑन। इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारी एसेट्स की वैल्यूएशन करने के टाइम पर काम आता है। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक, इसीलिए इसको अजम्पशन वर्ड भी साथ में बोला गया। नेक्स्ट है बच्चों कंसिस्टेंसी अजम्पशन। जनरल इंग्लिश में ही पता लग रहा है,
एज्यूम करके चलेंगे कि आपने जो एक रूल एक बार फॉलो कर लिया उसको कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर फॉलो कर रहे हो, आप फ्रॉम ईयर टू ईयर उसको फॉलो कर ही रहे हो, आप बीच में जब चाहे चेंज नहीं कर सकते। कभी कभार 10-15 साल में एक आध बार चेंज करना है या 2-3 साल बाद चेंज करना पड़ गया बिकॉज लॉ चेंज हो गया या कुछ और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, ये तो चलता है, पर हर साल चेंज कर लेते हो ऐसा थोड़ी होगा। तो वी आर फॉलोइंग द रूल कंसिस्टेंटली, तो ये ज्यूम क्या था कि रूल्स आर बीइंग फॉलोड कंसिस्टेंटली, इसलिए उसको कंसिस्टेंसी अजम्पशन बोला गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन हम लोग ये ज्यूम करके चलते हैं, मैंने आपको एक चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंट्स बताएंगे हम आपको बेसिस ऑफ अकाउंट्स के अंदर की दो तरह की अकाउंटिंग होती है, या तो कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एक्रूअल बेसिस में हम लोग जितनी ड्यू ट्रांजेक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो एज्यूम यही करके चलते हैं कि एक्रूअल एजम्पशन ही फॉलो हो रही है, कैश बेसिस फॉलो नहीं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपको दे देता हूं बच्चों। सबसे पहले आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम दैट एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ फोरसीएबल टाइम इन फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम के लिए हम अपने आप को काम करते रहेंगे। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, हम बिजनेस कम नहीं कर रहे या अपने कामों को या प्रोडक्ट्स को कम नहीं करने वाले। इसी कंसेप्ट के बेसिस पर सारी फिक्स्ड को रिकॉर्ड किया जाता है हिस्टोरिकल बेसिस पे और फिर धीरे धीरे उसको डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। Am I right? तो ये going concern concept था। Consistency assumption ये कहती है, it is assumed that accounting practices once selected and used are followed consistently from one period to another, एक साल दूसरे साल तीसरे। हाँ, the concept helps in comparison, आपको मैं पहले ही बता चुका। The concept is applied when alternative accounting methods are equally applicable, जैसे methods of depreciation आगे चल के पढ़ोगे दो मेथड होते हैं बेसिक 11th क्लास, आगे चल के तो 7-8 मेथड नजर आ जाएंगे। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों इक्विवेलेंट गुड हैं, बट कौन सा फॉलो करें। बट एक बार एक फॉलो करना शुरू कर दिया तो उसको जब चाहे चेंज नहीं करें, कभी चेंज करेंगे अगर लॉ डिमांड करेगा या कुछ बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करना है, बट दैट इज अ लेटर ऑन थिंग। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपकी नेक्स्ट चीज आपके सामने आ गई एक्रूअल अजम्पशन। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, यानी कि जब मैं उसका हकदार हो गया, रादर देन यानी कि व्हेन दे आर रिकॉर्डेड। इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कैश मिला या नहीं मिला, कैश बेसिस पे नहीं, जब मैं उस चीज को आपसे लेने का हकदार हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मकान किराए पर दिया हर महीने की 1 तारीख को मुझे आपसे रेंट लेना होता है, जनवरी आपने रह लिया, 1 फरवरी को मेरा रेंट ड्यू हो गया, मुझे चाहे पैसा 5 फरवरी को आपने दिया या 10 को या 1 मार्च को या उससे भी अगले महीने, पर मैंने 1 फरवरी को मैं हकदार हो गया लेने का, तो 1 फरवरी को मैं अपनी इनकम शो करता हूँ, दिस इज अक्रूअल कंसेप्ट। लाइकवाइज एक्सपेंसेस भी इसी तरह से शो किए जाते हैं बच्चों कि जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट हमने ले लिया, जैसे मैंने तुम्हें सैलरी देनी है या मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, जनवरी का मंथ खत्म तो 1 फरवरी को सैलरी देनी है, सैलरी ड्यू होगी, दिस इज माई एक्सपेंस, पे मैं 2 महीने बाद। This concept is particularly useful क्योंकि इससे asset, liability, income और expenses के बारे में पता लग। और ये तीनों के साथ word assumption इसीलिए use किया गया क्योंकि हम ये assume करके चलते हैं ये हर concern follow कर रहे हैं। Okay, done।